सर अपने 115 दिन के सस्पेंशन समाप्त होने पर पहली बार इस सदन में बोलने जा रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें दो बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट को, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एक और मैं खतरनाक चीज बताना चाहूंगा कि ये राइट टू प्रिवेसी जो है, ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है और राइट टू प्रिवेसी का एक हाल ही में वायलेशन मेरे साथ और इस सदन के कई सदस्यों के साथ हुआ। माननीय श्री राघव चड्ढा सर अपने 115 दिन के सस्पेंशन समाप्त होने पर पहली बार इस सदन में बोलने जा रहा हूं और इस नए संसद भवन में पहली बार बोलने जा रहा हूं, तो आपका संरक्षण चाहूंगा सर। 5 मिनट समय आपका। आप इसे मेडन स्पीच भी मानकर मुझे अधिक समय दे सकते हैं अगर चाहें तो। सर मैं आम आदमी पार्टी की ओर से द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें दो बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट को, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और इसके कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर, कोई दायरा, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी इस पूरे कानून में नहीं लिखा गया। मैं पहले सेक्शन 9 पढ़ के सुनाना चाहूंगा फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। सेक्शन 9 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपन्ड और डिटेन्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ 1 सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, 2 फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, 3 पब्लिक ऑर्डर, 4 इमरजेंसी एंड 5 अपॉन द अकरेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि इन 5 सिनेरियोज में पूरी शक्ति है इंडियन पोस्टल ऑफिस को कि वो किसी के भी डाक को या कंसाइनमेंट शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, खोल सकती है।